हेलो स्टूडेंट, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली। ओपन योर बुक ऑन पेज नंबर 35। एयर पॉल्यूशन। कार, बसेस, ट्रक्स एंड अदर व्हीकल गिव आउट हार्मफुल गैसेस इन टू द एयर। दिस हैपन्स वेन द पेट्रोल एंड डीजल रन ऑन बर्न्स। कार, बसेस, ट्रक और बहुत सारे व्हीकल ये हार्मफुल गैसेज रिलीज करते हैं हवा में। दैट हैपन्स द बैन ये तब होता है जब पेट्रोल और डीजल बर्न होते हैं। फैक्ट्रीज एंड बस्टिंग क्रैकर्स ऑल्सो गिव आउट द हार्मफुल स्मोक। फैक्ट्री में से या फिर पटाखे जलाने से भी हार्मफुल स्मोक होता है। द हार्मफुल गैसेज एंड स्मोक मेक द एयर अनहेल्दी फॉर ब्रीदिंग। इस तरह के गैसेज से, इस तरह के धुएं से हमारी एयर जो होती है इन्वायरमेंट में वो अनहेल्दी हो जाती है, मतलब सांस लेने ब्रीदिंग के लिए हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस कैन कॉज अस्थमा एंड लंग कैंसर। हार्मफुल गैसेस के स्मोक की वजह से अस्थमा या फिर लंग्स कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। एयर पॉल्यूशन कैन कॉज बॉडी एंड हीट डिसीजेज। एयर पॉल्यूशन की वजह से ब्लड या फिर हार्ट डिसीजेज हो जाती हैं। इट कैन ऑल्सो कॉज द हेडेक एंड स्किन एंड आई इरिटेशन। इनकी वजह से हेडेक भी हो सकता है स्किन में या फिर आइज में इरिटेशन भी होती है। ड्यूरिंग विंटर स्मोक प्रेजेंट इन द एयर। विंटर सीजन में स्मोक प्रेजेंट होता है हवा में एंड गैस मिक्स विद द फॉग, और वो फॉग में मतलब कोहरे में मिक्स हो जाता है टू फॉर्म स्मोक। इससे स्मोक होता है। स्मोक इज ऑल्सो काइंड ऑफ एयर पॉल्यूशन। स्मोक भी एक तरह का एयर पॉल्यूशन है।